पढ़ाएंगे। अभी एक ऐसी लोकेशन पे हूँ मैं जहाँ से टू वे लेन आ रही है, और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से कैसी कैसी कंडीशन हो सकती है। सामने से बोथ वे ट्रैफिक है तो कुछ भी आ सकता है, और हमें किस तरह से कंट्रोल करना है। अभी हमें ट्रैफिक मिल सकता है फ्रेंड्स जिसमें हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बोलें, या फिर आप थोड़ा कंजेस्टेड लोकेशन मिलेगी, मार्केट प्लेस जैसी लोकेशन मिलेगी, और हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्राइव करेंगे फ्रेंड्स। तो मेरी और भी वीडियोज है जिसमें लेफ्ट और राइट का जजमेंट दिखेगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चैनल में जाके। तो इस जगह क्या होता है फ्रेंड्स, हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं फुट मूवमेंट हमारा बहुत ज़रूरी होता है, और स्पेशली जब हम क्लच का मूवमेंट कर रहे होते हैं, क्लच का यूज़ ले रहे होते हैं। अभी देखिए यहाँ से फ्री लेफ्ट है, तो आराम से मैं अपना लेफ्ट और राइट दोनों का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को आगे, और दोनों के मतलब स्पेस देखते हुए कि कितनी स्पेस है मेरे गियर में अभी हम हैं। अब सेकंड गियर में क्या होता है, हम जब कार को पुल करते हैं, अभी देखिए सेकंड गियर से मैं थर्ड गियर, जब अपशिफ्ट करेंगे तो हम क्लच प्रेस करेंगे, लेकिन अपशिफ्ट करने के लिए एक स्पीड होती है तो क्लच उसी समय प्रेस किया जाता है। अब आप समझ लीजिए सेकंड गियर में हूँ मैं, 20 की स्पीड है, अगर मेरी 30 की स्पीड आएगी उसके बाद ही मैं क्या है थर्ड गियर या अपशिफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब बम्पर टू बम्पर या कह सकते हैं आप थोड़ा सा वैसा ट्रैफिक अराइज होगा जिसमें मुझे कार को कंट्रोल करना होगा और अपनी अकॉर्डिंगली कार चलाऊंगा मैं। ये देखिए मैंने सेकंड गियर से फोर्थ गियर से थर्ड गियर लगाया अपनी कार में, और अब हो सकता है मुझे सेकंड गियर भी लगाना पड़े, लेकिन 30 की स्पीड है तो मैं थर्ड गियर में ही कार को पुल कर रहा हूं अभी फिलहाल। अभी थर्ड गियर में ही अब है मेरी कार, 40 की स्पीड है, आगे चलेंगे ट्रैफिक मिलेगा मुझे। और ये देखिए ये कार स्लो चल रही है, राइट और लेफ्ट अचानक से बीच में आ रही है, तो अकॉर्डिंगली हम अपनी कार में कंट्रोल समझेंगे कि किस तरह से हमें कार में मतलब अपनी कार को कंट्रोल कैसे करना है, हम स्पीड लेनी है कि या डाउन शिफ्ट करना है। अभी जैसे थर्ड गियर में मेरी कार है तो मैं थर्ड गियर में ये देखिए क्लच एक्सीलेटर और ब्रेक में ही यूज़ कर रहा हूँ, क्लच मैंने प्रेस नहीं किया, ना ही मुझे डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी और ना ही अपशिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये देखिए अभी फ्रेंड्स मैं अब यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न लूंगा, अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी इस जगह पे हमारा क्लच का मूवमेंट आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जैसे ही हम कट क्लच का मूवमेंट लेंगे, ये देखिए अब क्लच प्रेस करना पड़ रहा है, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ रही है। ऐसी लोकेशन में ड्राइव करने के लिए क्लच का यूसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आप फर्स्ट गियर में ही ड्राइव कर सकते हैं मैक्सिमम, अगर आपको ओपन स्पेस मिलेगी तो अलग बात है, आपने एक्सीलेटर थोड़ा सा प्रेस करना होगा या अपशिफ्ट करना होगा। मैं अभी सेकंड गियर लगा लिया क्योंकि 10 के अबव स्पीड हो गई थी, फिर से मुझे क्लच प्रेस करना पड़ा, मेरा फुट मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, फिर से फर्स्ट गियर अप्लाई किया है मैंने और सेकंड गियर फिर से लगा दिया क्योंकि 10 से स्पीड आ गई थी और आगे मेरे पास स्पेस थी। और आगे कुछ होता या फिर आप कह सकते थे स्लो मूविंग होता तो मुझे क्लच का यूज़ लेना पड़ता, बट वो जो एंट्री के टाइम में इस लेन में जब हम एंटर कर रहे थे उस समय हमारी कार में जो है मतलब आगे डिस्टेंस नहीं थी हमारे पास, तो हमें क्लच का यूज़ लेना पड़ा, वो भी फर्स्ट गियर में। अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, मुझे फर्स्ट गियर लेना पड़ा फिर से। आगे यहाँ लोग चल रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा, और यहाँ पे भी देखिए आप जजमेंट लेना होगा। आप कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप फर्स्ट गियर में या फिर आप हाफ क्लच चलाते हैं, हाफ क्लच मतलब मैंने हाफ क्लच की एक वीडियो डाली थी जिसमें यूज़ नहीं करना चाहिए हाफ क्लच, ये देखिए बाइटिंग पॉइंट तक लेके आया, वापस प्रेस कर देना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा मुझे कि आप हाफ क्लच यूज़ करेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा ये इस लेन में, इस टाइप की लेन में। ये देखिए अभी मैं चला रहा हूँ फ्रेंड्स, हाफ क्लच के मैंने क्लच पूरा ही छोड़ दिया है, और अकॉर्डिंगली आगे देखिए स्पेस एकदम भी नहीं है, मेरी कार आराम से 10 की स्पीड में है। हाँ अगर मेरे को मूव करना होगा, ये देखिए अब मैं मूव किया, अब सेकेंड गियर लगा लिया हूँ, फिर से मुझे क्लच प्रेस करना पड़ा। हाफ क्लच होना क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको फ्रेंड्स, हाफ क्लच को लोग डिस्टर्ब मतलब क्या समझते हैं एग्जैक्टली, उसमें हाफ क्लच जैसे ये देखिए मैं ये बाइटिंग पॉइंट पे अगर मैं प्रेस करके रखता हूँ क्लच को, उसको हाफ क्लच कहते हैं जिसमें कि क्लच खराब होते हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए आगे जगह है बट ये नहीं चला रहे हैं, निकलने की जगह थी इनकी राइट से बट नहीं गए हैं। तो अभी देखिए राइट लेफ्ट का जजमेंट यहाँ जरूरत है, क्लच का यूज़ देखिए फ्रेंड्स, मेरे को लोगों ने जैसे कमेंट में किया कि हाफ क्लच जरूरी होता है, ये देखिए क्लच मैंने पूरा ही छोड़ दिया। आपने क्लच आपकी कार में हल्की सी स्पीड आती है या मूवमेंट आ जाती है उसके पास आप क्लच को छोड़ सकते हैं, और आपके आगे जो मूवमेंट हो रहा है
आपके आगे जो ट्रैफिक मूव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ये देखिए, मैं सेकंड गियर में भी क्लच को रिलीज कर दिया है, हाफ क्लच की जरूरत नहीं पड़ती है। हाफ क्लच किसे कहते हैं, जब आप क्लच पे प्रेस करके रखे हैं लेग को या फिर फुट को, आप इस तरह से करके रखे हैं और हाफ दबा के रखे होंगे क्लच को और अपनी कार को चलाते रहेंगे, वो घबराहट से होती है, नए ड्राइवर्स करते हैं मैक्सिमम, जो कि सही नहीं है। धीरे धीरे आप इस चीज़ को ठीक करें, अपनी ड्राइविंग हैबिट को सुधारें, उससे क्या होगा आपका क्लच सही रहेगा और आप सही तरीके से चला पाएंगे अपनी कार को। यहाँ पे भी देखिए, मेरे को क्लच की मूवमेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं स्लो मूविंग कर रहा हूँ। स्लो मूवमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स कि आप अब जैसे यहाँ पे इस जगह पे आप कितनी भी स्पीड ले लेंगे आपको स्लो डाउन करनी होगी, तो आप क्यों ना स्लो ही चलाएं, सेकेंड गियर में 20-30 की स्पीड में चलाएं, क्योंकि आप देखिए जगह जितनी भी है आप स्पीड ले भी लेंगे तो आपको ब्रेक करनी होगी स्पीड, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है। ये देखिए, ये मेरे को सेकेंड गियर में ही रखनी पड़ी, बट क्लच मैंने प्रेस किया, कार धीरे से मूव हुई सेकेंड गियर में और फिर मैं अपनी कार को आगे बढ़ाने लगा। यहाँ रोड खराब है, मैं स्पीड ले नहीं सकता हूँ, तो मुझे अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना होगा। 20 या 30 की स्पीड में ही कार को लेके निकल सकता हूँ मैं यहाँ से। और क्लच का मूवमेंट जब आपने देखा था, बिजी रोड थी या आगे कुछ चल रहा था, तो हमें क्लच का कंट्रोल करते हुए अपनी कार को निकालना है, या आप डाउन शिफ्ट करेंगे तो क्लच प्रेस करना है और जैसे ही आपकी कार मूव होने लगेगी तो आप क्लच रिलीज कर सकते हैं। अभी देखिए मैं अप शिफ्ट कर रहा हूँ, थर्ड गियर मैंने लगा लिया है, आगे चल के देखेंगे अगर हमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा तो फ्रेंड्स किस तरह से मूवमेंट करना चाहिए हमें ट्रैफिक में। अभी यहाँ पे रोड थोड़ी सी खराब है तो मूवमेंट अकॉर्डिंगली करेंगे हम, किस तरह से स्लो मूविंग रखेंगे अपनी कार को। अभी मैं यहाँ से सेकंड गियर कर लूंगा क्योंकि आगे रोड, ये देखिए ये जो रोड में है थोड़ा सा खराब है रोड, तो मेरे को क्लच यूज करते हुए सेकंड गियर करना पड़ा, और अगर और स्लो डाउन होगी 20 से भी डाउन जाएगी स्पीड तो मुझे को और डाउन करना पड़ेगा अपना स्पीड, तो उसके लिए फिर मेरे को और डाउन शिफ्ट भी अप्लाई करना पड़ जाएगा। फ्रेंड्स क्लच का यूज में आपने देखा किस तरह से ट्रैफिक में या फिर कह सकते हैं कि छोटी लेन में जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, आगे कुछ होता है तो किस तरह से हम ड्राइव करते हैं, क्लच का यूज़ कैसे लेते हैं, और मेरा फुट मूवमेंट आपने नोटिस किया होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा एक और नया चैनल आ गया फ्रेंड्स, उसे भी सब्सक्राइब करें, उसमें भी आपको ड्राइविंग से रिलेटेड और कार की मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।